अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम अरसलान एंड यू आर वाचिंग मार्सर ऑफ पिक्सार। सो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ही होंगे। आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी तस्वीर बनाना है के बारे में बताऊँगा। तो जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और जो नया है चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो सो फ्रेंड्स, सबसे पहले अब हम जाएंगे हमेशा की तरह ड्रा में। जाने के बाद ड्रा में हम आ गए हैं। अब इसको थोड़ा सा कम करके फिर हम जाएंगे एयर फोटो पे। इधर से हम अपनी इंस्टाग्राम की जो है फ़ोटो की पीएनजी ऐड करेंगे। तो इधर से मैंने भी ऐड कर ली है। तो ऐड करने के बाद इसको अपने हिसाब से आप जितना रखना चाहते हैं बड़ा कर दें। तो मैंने इस हिसाब से इसको बड़ा कर दिया है, ठीक है। अब मैंने इसको क्या कर दिया, डन कर दिया। तो अब मैं इधर से एक एम्प्टी लेयर बनाऊंगा। ये मैंने इधर से एम्प्टी लेयर बना ली और साथ ही एक ऐड फ़ोटो पे चला गया। और इधर से अब हम अपनी वो फ़ोटो ऐड करेंगे जो हमने इसके ऊपर लगानी है। तो गाइस, मैंने ये वाली फ़ोटो लगानी है तो मैंने इसको ऐड किया है और साथ ही इसको थोड़ा सा क्रॉप कर लूँगा। मैंने इसको थोड़ा सा क्रॉप करके ऐड कर दिया है। अब इसको थोड़ा सा बड़ा किया। बड़ा करने के बाद इधर से हम यूज़ करेंगे स्क्रीन। सो फ्रेंड्स, अब हमने इधर से स्क्रीन वाला यूज़ कर लिया है। तो अब हम इधर से इसको क्या करेंगे, बड़ा करेंगे। जैसे कि मैंने इसको इधर कर दिया एडजस्ट, ठीक है। अब इसके बाद इधर साइड पे क्लिक कर दूंगा। तो अब हमने क्या करना, इसको सिलेक्ट करना। इस लेयर को सिलेक्ट करने के बाद हम इधर से थ्री डॉट पे जाएंगे। थ्री डॉट पे जाने के बाद इसको क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे। ये मर्ज हो गई है। अब इसकी जो कैपेसिटी है वो हम थोड़ी सी कम कर देंगे, जैसे मैंने इधर कम की है। उसके बाद जाएंगे रेज़र टूल पे। जाने के बाद इसका जो साइज़ है वो हम पहले थोड़ा सा कम रखेंगे, वो आप भी अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। मैंने इधर 14 रखा है। तो अब मैंने इसको क्या करना है, इधर से कट करना है। सॉरी, ये इधर से हो गया। अब हमने इधर से भी करना, चलो इधर से भी हो गया। अब हमने इसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा बढ़ा लेना। मैंने इधर से 54 कर दिया साइज़, 54-55 कर दिया। तो ये अब हमने इसकी जो कैपेसिटी थी वो दोबारा से ठीक कर देंगे, वैसी कर देंगे, ठीक है। और इधर हम एक और एम्प्टी लेयर बना लेंगे, ठीक है। एम्प्टी लेयर बनाने के बाद अब हम इसको क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। ये होगी। अब हम एक और टेक्स्ट की जो पीएनजी वो ऐड करेंगे। उसके लिए सिंपली ऐड फोटो पे जाएंगे और ये हमारी टेक्स्ट की पीएनजी पड़ी, इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। ये हमारी टेक्स्ट की पीएनजी भी आ गई है। तो अब हमने इसको भी इधर एडजस्ट करना है, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमने इसको इधर एडजस्ट कर दिया, ठीक है। तो अब हमारी जो तस्वीर है वो मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुकी है। तो सिंपली दोबारा से जाएंगे ड्रा में, ठीक है। ड्रा में जाने के बाद और सिंपली इसको सेव इमेज कर देंगे। तो ये था हमारा पिक्सआर्ट का काम। अब हम इसके बाद जाएंगे लाइटरूम में। सो फ्रेंड्स, आई एम कमिंग माय लाइटरूम बाबा। तो मैं अब अपने लाइटरूम में आ गया हूँ। तो सबसे पहले हम जाएंगे लाइट में, ठीक है। लाइट में जाने के बाद जो कंट्रास्ट है उसको हमने माइनस में रखना है, यानी कि -22, ठीक है। इधर से मैंने इसका साइज -22 कर दिया है। और जो शेडो है उसको हमने करना है 10 पे। ये मैंने इधर से इसको कर दिया 10 पे, ठीक है। उसके बाद जो ब्लैक्स है इसको हमने कर देना है -9,
ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे गाइस नेक्स्ट ऑप्शन जो कि हमारे पास है कलर्स की। इसमें हमने जो टेम्परेचर है उसको हमने कर देना माइनस माइनस 12 पे या 14, आपकी मर्ज़ी है। मैंने इधर से माइनस 13 कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे जो इफ़ेक्ट्स की है, उधर से हम जो क्लैरिटी है क्लैरिटी को हम करेंगे पॉजिटिव की 10, इधर से पॉजिटिव की 10। और विगनेट जो है उसको हम जो करेंगे 16 पे कर देंगे, माइनस 16, माइनस 16 या 14 आप जो है वो कर सकते हो। मैंने इधर से भी माइनस 16 कर दिया। और जो इसका मिड पॉइंट है वो आपने इसको ज़ीरो कर देना, माइनस का जो ज़ीरो है वो कर देना। उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट ऑप्शन में डिटेल। यहाँ पे शेपिंग जो है उसका साइज़ आपने ध्यान से करना है, ये हमने तकरीबन 25 पे करना है, ये भी 25 हो गया। उसके बाद मास्किंग जो है वो भी हमने क्या कर देनी है 25। जो सो गाइस अब हमारी सारी चीज़ें ओके हो गई हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।